जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी स्टैटिक जीके की फोर्थ क्लास रहने वाली है, जिसमें आज हम एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। काफ़ी छोटे छोटे सेशन जो हैं वो हमारे ये रहेंगे डेली शाम को 8 बजे। विजयपथ एजुकेशन आप सभी के लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है, जो कि आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हैं और बेसिक क्वेश्चन है, टू द पॉइंट हिट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने ही चाहिए। और बिना ऑप्शन के आपके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जिसके साथ साथ जहाँ पर आपकी ट्रिक यूज होती है वो भी मैंने आपको बताई है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला जो हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन है वो है, अकबर का राजसभा मंत्री कौन था। तो देखिए, आपको यहाँ पर बताना है कि जो अकबर था, राजा था अकबर, उसका जो राजसभा मंत्री था, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके पास उसने दिया था, अकबर के तीन मुख्य जो है वो मंत्री थे। और राजसभा डिपार्टमेंट जो है, राजसभा मंत्री जो है वो किसके पास दिया था, आंसर आप कमेंट करें जल्दी से। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स विजयपथ एजुकेशन के साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में एक बार शेयर आप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, और इसको पूरा आपको देखना है, क्योंकि लगभग हमारे 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी कितनी हो पाई है ये आपको पता चलेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जिन्होंने भी आंसर टोडरमल दिया है, बिल्कुल उनका आंसर जो है वो सही है। अकबर के जो राजसभा मंत्री थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके पास दिया था, उसका नाम क्या था, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर किसी को भी याद तो है वो नहीं हम कर सकते, और ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड होता है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है 12,714 किलोमीटर जो है वो उसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है। अगर रेडियस पूछा जाए तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने आपको स्टैटिक जीके की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसका निष्कर्षण जो है वो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अब देखिए, अयस्क क्या होता है, अयस्क होता है ओर। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ओर के बारे में बताया था, जिसमें थोरियम एलिमेंट की जो है वो मैंने बात की थी। तो और क्या होता है, और जो है वो एक मिक्सचर है, जिसकी हेल्प से हम जो है वो एक धातु या फिर अधातु को क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हैं, निष्कर्षण यानी कि उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कोई कटोरी है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिए धान डाल दिए, और हल्का सा इसमें क्या डाल दिए, कूड़ा डाल दिया, ठीक है, कूड़ा डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, फैन से इसको क्या करूँगा, क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है, फैन से क्या किया, क्रॉस किया, तो धान क्या हो जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे और कूड़ा जो है वो बाहर गिर जाएगा। अगर मेरे को चाय को क्या करना है, साफ करना है, तो कैसे करते हैं, छन्नी से करते हैं। तो छन्नी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो लिक्विड चीज है वो नीचे चली जाती है, और जो सॉलिड चीज है या फिर जो मोटी मोटी चीज है वो ऊपर रह जाती है। तो उस तरीके से हेमेटाइट अयस्क से हम क्या बाहर निकालते हैं, कौन सी धातु हेमेटाइट से बाहर निकालते हैं, या फिर आप ये याद रख सकते हैं किस धातु का ओर जो है अयस्क है वो क्या है, हेमेटाइट। तो पहली क्लास में बताया था हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है, लोहे का। इसका मतलब हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है। आयरन को आयरन का सिंबल क्या है, Fe। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B9 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो विटामिन B9 का जो नेम है वो क्या है, फॉलिक एसिड है। सरकारी स्कूलों में जो है वो फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वो दी जाती थी, हर बुधवार को, शायद अभी भी दी जाती हैं। ये विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग, जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की इन क्वेश्चन में जो है वो आपको जरूरत है
नहीं पढ़नी चाहिए। देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ पर है, वो है आपका मुंबई में। तो जो भी साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, कमेंट आप साथ साथ में करते चलें, तभी आपकी तैयारी का जो है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि ऑप्शंस में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो चार ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ऑप्शन जो है वो एज अ गैस की फॉर्म में लगा देते हैं। 90% बच्चे गैस की फॉर्म में लगाते हैं, 10% बच्चे जो है अपनी तैयारी के साथ लगाते हैं। लेकिन जब उनका गैस गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे उनको जो है वो डीमोटिवेशन वहां से मिलती है। तो हमने मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दोनों को ही खत्म कर दिया, सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्या ऑप्शन ही गायब कर दिए। अब जिसको आता है आंसर वही दे पाएगा, जिसको नहीं आता है वो इमोजी लगा के हमें कमेंट कर देगा। तो देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई है। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी तक जो 3 या 4 क्लासेस अभी तक हुई हैं उन सभी में ये क्वेश्चन मैंने बार बार डिस्कस आपसे किया है। तो 1959 को जो है, सॉरी 1969 यानी कि 19 जुलाई 1969 को जो है वो भारत में पहली बार देशों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कितने बैंकों का किया गया था ये भी आपको बताया था, तो कितने बैंकों का किया गया था, 14 बैंकों का। साहिल शर्मा आपका आंसर बिल्कुल सही है, 14 बैंकों का किया गया था, बिल्कुल राइट आंसर आपने यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन में जो हुआ था, किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का, ठीक है जी, उनकी सिफारिशों के ऊपर ये किया गया था, हुआ कब था, 16 मई किस सन को जो है इसका जो है वो गठन किया गया था, 16 मई कौन से सन में, 16 मई 1946 में जो है इसका क्या किया, गठन किया, संविधान सभा का गठन किया, किसकी सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे 1946 में। अगला प्रश्न है कॉमन सा क्वेश्चन, और मैंने आपको अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उनमें सभी में आपको बताया कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, पार्लियामेंट, पॉलिटी से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है, पता होना चाहिए आपको, किसे मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं, जिनका भी आंसर राष्ट्रपति आया है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान के, द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि कोरिलेट कीजिए चीजों को, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, बात खत्म होगी, नहीं, आपको राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति तक आप जाइए, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़े। उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है, वो है राज्यसभा के अध्यक्ष। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका अध्यक्ष होते हैं, पिछली क्लास में बताया था, नीति आयोग, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से चीजों को कोरिलेट कीजिए, तभी आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी हो पाएगी। अगला प्रश्न, ध्वनि को किसमें मापा जाता है, देखिए हमारी जो साउंड है, अब मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर उसको आपको मापना है, आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, हमारे कानों में जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, ये सेम ही चीज मैंने लिखी है, 20,000 हर्ट्ज तक क्या हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन ये तो है सुनने की कैपेसिटी, ये क्या है, सुनने की कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं कि मैं जो आवाज यहां पे निकाल रहा हूं, आपको जो चीज सुनाई दे रही है, ठीक है, मैंने जो बोला, क्या वो साउंड आप तक जो पहुंच रही है वो किस यूनिट में मापी जाती है। अगर मैं थोड़ा लाउडली बोलूंगा कि आपको सुनाई दे रहा है तो ये थोड़ी सी लाउड है, अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूं कि इसका आंसर क्या है, मैंने इस यहाँ पे आवाज धीरे कर ली, ठीक है, तो कैपेसिटी कुछ अलग चीज है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक चलती। लेकिन अगर मुझे उस ध्वनि को, उस साउंड को अगर मेजर करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10 किलो ध्वनि निकाली, 20 ग्राम ध्वनि निकाली, ठीक है, 10 ml ध्वनि निकाली, ऐसा तो नहीं है। उस साउंड के यूनिट को फिजिक्स में किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन है या फिर स्कूल हैं, वहां पर ट्रैफिक में जो है वो 50 से लेके 70 डेसिबल तक ही ध्वनि जो है वो वहां पे मायने रखती है। अगर उसके ज्यादा वहां पे अगर ध्वनि का लेवल बढ़ गया तो फिर क्या है, फाइन होने का ज्यादा चांस रहता है। आपको पता होना चाहिए
कि जो पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, उनके बाहर काफ़ी भीड़ नहीं होनी चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए, या फिर वहाँ पे जो है वो हॉर्न इतने ज़्यादा नहीं बजाने चाहिए, ताकि जो लेवल अगर 50 से 70 के बीच है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 70 से अगर उसका लेवल जो है वो बढ़ गया तो फिर वो नॉइस पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे हानिकारक वेव्स जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट में फैल जाती है। तो डेसीबल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, आप सभी जानते हैं, लेकिन हुआ कब था ये आपको बताना है, डेट आपको बतानी है। तो 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर किस सन को हुआ था, किस सन को हुआ था, ये हुआ था 1869 को, 1869 को इनका जन्म हुआ, और 30 जनवरी को 1948 में नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी, इसीलिए 30 जनवरी को क्या था, 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में, और गांधी जी को सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं वो करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने सफाई का जो है स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने स्टार्ट किया, और वो भी गांधी जयंती के दिन ही किया था, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में जो है वो स्वच्छता मिशन, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, काफी अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर ही आपका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो छिपा हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त ही था, जिन्होंने जिनका भी आंसर यहाँ पर श्री गुप्त आया है वो राइट आंसर है, क्योंकि ज्यादातर क्या था, जो वंश थे वो अपने ही नाम पे क्या करते थे, उनकी स्थापना करते थे, तो जैसे गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, गुप्त जो राजा थे उन्होंने की, तो उनका नाम क्या था, श्रीगुप्त था, तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, आना चाहिए क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, पिछले कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी बहती है उसका नाम क्या था, तो अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया था, तैयारी आप कर रहे हैं, पद्मा जो है वो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है, बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टका, क्या नाम है, टका, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, पड़ोसी देश है भारत का। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको लोहे का अयस्क बताया, अयस्क का मतलब होता है ओर, यानी कि जिसको एक्सट्रैक्ट करके क्या निकाला जाता है, एक प्योर चीज जो है वो बाहर निकाली जाती है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल से शब्दों में मैं बताऊं कि ये जो सिनेवार है ये बना किससे होता है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें से मैंने क्या, जिसमें मैंने डाला है नमक, यानी कि NaCl, अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, अगर मेरे को सोडियम निकालना है तो NaCl क्या बन जाएगा, उसके लिए अयस्क बन जाएगा, यानी कि एक ऐसी चीज जहां से हम एक प्योर चीज को बाहर निकाल सकते हैं वो उसका क्या है, अयस्क है, और है, वैसे साइंस की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन जनरल साइंस के केस में मैंने आपको एक सिंपल से शब्दों में मैंने समझाने की ट्राई की है। तो सिनेवार जो है वो किसका अयस्क है, सिनेवार है किसका, पारे का, पारे का अयस्क कौन है, सिनेवार है, यानी कि जो लेड है, पारा है, पीबी है, ठीक है जी, ये पारा जो है वो किस चीज से निकाला जाता है, सिनेवार से, और सिनेवार क्या है, एक और है। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, तो अगर इसमें भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या फिर आपने जल्दबाजी में जो है वो अपना एक क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं आपके, फ्री के, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो तो अलग बात है, लेकिन जो आता है उसको भी आपने अगर गलत कर दिया तो इसका मतलब फ्री के मार्क्स आपने खत्म कर दिए। करो या मरो का नारा किसने दिया, वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ट्रिक्स आप कैसे याद रख सकते हैं, इसकी जो ट्रिक्स रहेगी नारों को याद रखने के लिए, वो मैं आपको ऊपर आई बटन के ऊपर जो है वो मैं आपको दे दूंगा। अभी जो है आई बटन के ऊपर आप देख सकते हैं, करो या मरो का जो नारा है वैसे बेसिकली महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन जो इनको नारों को याद रखने की ट्रिक है उसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी, ये आपको बताना है, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी,
जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पर बताएं कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो 1900 यहाँ पे एरर है, 1911 में बनी है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, 1911 होना चाहिए इसका राइट आंसर। शायद ये टाइपिंग एरर है, 1912 तो नहीं है, 1912 नहीं है, 12 जो है वो दिसंबर है, यहाँ पे 1912 तो नहीं है, 12 दिसंबर है 1911, ये इसकी डेट है जिस समय भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो उसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, जंगलों का क्या है? ये आपको पता है क्योंकि मिट्टी का बहना किस कारण होता है, जब जंगल का कटना शुरू हो जाता है और मनुष्य जो है वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए डेली डेली जो है वो जंगलों को काट रहा है। इसी वजह से आप जानते हैं कि हिमाचल में जो है वो काफ़ी डिजास्टर जो है वो हो चुका है अभी कुछ टाइम पहले ही। तो थोड़ा सा पेड़ों के ऊपर भी आप ध्यान दें, अपने घरों के आसपास जो है वो ज़रूर एक पौधा आप ज़रूर लगाएं। अगर आप बड़ा पौधा नहीं लगा सकते तो एक ऐसा पौधा आप लगाइए जिसको आप जो है वो यूज़ भी कर सकें, जैसे मसालों से रिलेटेड पौधे हैं जिसकी आप केयर कर सकें, मसालों से रिलेटेड जो पौधे हैं जैसे कि तेज पत्ते का पौधा आप उसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप उसकी केयर करेंगे, हमारे लिए ऑक्सीजन देगा और उसका क्या हो जाएगा, यूज़ भी हो जाएगा। तो एक पौधा जो है वो हर साल लगभग आपको लगाना ही लगाना है, वो भी किसके लिए, खुद के लिए, अपने के लिए, अपनी फैमिली के ऑक्सीजन के लिए। आप ये इस अपना एक एम जो है वो आप बना के चलें। अगला प्रश्न है, चाय अत्यधिक किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? देखिए चाय जो है वो हमारे भारत में कई ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जैसे कि असम है, उसके बाद बाहर के देशों में भी जैसे तिब्बत है, ब्राज़ील है, वहाँ पर जो है वो उगाई जाती है। अब यहाँ पे जो चाय है वो उसका हिमाचल में भी काफ़ी अच्छा योगदान जो है, जैसे कांगड़ा चाय है उगाई जाती है, उसके बाद तिब्बत है, असम है, ब्राज़ील है, यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो चाय जो है वो उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर चाय उगाने के लिए जो क्षेत्र है वो कैसा माना जाता है, अब हिमाचल के पालमपुर में या कांगड़ा में जो चाय उगाई जाती तो वो एक क्षेत्र है कैसा, ये है ठंडा क्षेत्र। तो चाय ज़्यादातर किन क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन आज की इस क्लास का, कांच में से गुजरने पर प्रकाश का कौन से रंग की गति जो है वो धीमी होती है, यानी कि ऐसा कौन सा रंग है जो काफ़ी स्लो पास आउट होता है जब वो उसको एक कांच से, एक मिरर से या फिर एक ग्लास से जो है वो पास आउट किया जाता है। तो कांच से जब किसी रंग को हम गुजारते हैं जिसकी स्लो स्पीड होती है, वो रंग कौन सा है, बैंगनी यानी कि वॉयलेट कलर है, जो बिवक्योर में सबसे पहला कलर होता है, इसकी स्पीड क्या है, सबसे कम है। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमारे साथ यहाँ पे अपने आंसर शेयर किए, आपके आंसर काफ़ी अच्छे थे। आप डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर के लिए विजयपथ एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, साथ में जो हमारे न्यूज़पेपर हैं डेली हिमाचल के लोकल न्यूज़पेपर जिसमें से गिरिराज स्पेशल न्यूज़पेपर आपको भेजी जाती है वीकली, उसके साथ साथ जो लोकल न्यूज़पेपर हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, साथ में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं हिंदू ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजे जाते हैं। इसके लिए स्पेशली विजयपथ एजुकेशन ने आपके लिए एक न्यूज़पेपर का एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपनी तैयारी आप जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।